हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस रामगढ़। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में बेरोजगारी भत्ता के लिए जो इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो दी गई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में यहाँ पे क्या बोला गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खुशखबरी में यहाँ पे जो बोला गया है कि झारखंड में बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पे जो बोला गया है जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में यहाँ पर एडवर्टाइज में यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया कि झारखंड के बेरोजगार युवकों को जल्द ही प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री का यह निर्देश उनकी चुनावी घोषणा को जमीन पर उतारने की दिशा में भी बढ़ाया गया कदम है। विधानसभा चुनाव में झामुमो के निश्चय पत्र में नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो झामुमो के जहाँ यहाँ पे जो यहाँ पे नेता है वो उनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि आगे में यह बेरोजगार स्नातकों के लिए 5,000 रुपये, यानी कि जो यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे उनके यहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ पे दी जा रही है। और जो लोग यहाँ पे स्नातकोत्तर पास बेरोजगार, यानी कि जो लोग पीजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उससे जो हायर लेवल के होंगे उसको यहाँ पे 7,000 आपको यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता के रूप में यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो आगे में जो बोला गया है कि स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों के 7,000 रुपये देने का वादा किया है। तो नियोजनालय पंजीकरण के बाद ही बेरोजगार युवकों युवतियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहित राशि मिल सकेगी। तो जो लोग यहाँ पे झारखंड का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे तो तभी आपका जो है इस बेरोजगारी भत्ता का आप लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो आप जिस प्रखंड में आप रहते होंगे झारखंड के, उसमें आप जाइए अपना नियर में जो भी आपका नियोजनालय होगा उसमें सबसे पहले आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद ही आप इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो आप घर बैठे ही खुद आप अपने मोबाइल से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस रोज़गार के लिए, ठीक है। तो आगे में यहाँ पे जो बोला गया है कि पंजीकरण के बाद ही बेरोजगार युवकों को युवतियों को सरकार की यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया है कि इसके अलावा उपलब्ध अवसरों के पहुँचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नियोजनालयों की स्थिति यहाँ पे सुधार है। यहाँ पे मुख्यमंत्री का कहना है सीएम ने मुख्य सचिव को नियोजनालयों को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नियोजनालय भवन अच्छी स्थिति में नहीं हो तो उसे किसी अन्य भवन में शिफ्ट किया जाए। नियोजनालय में अच्छी व्यवस्था रखे, पेयजल शौचालय एवं बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो जो भी आपका नियर में नियोजनालय होगा वहाँ पर आपका बैठने पेयजल सुविधा शौचालय बैठने की आपका यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, ये भी आपका मुख्यमंत्री का यहाँ पर कहना है। अगर अच्छी तरह से वहाँ पर भवन नहीं है तो आपको अनदर जो प्लेस होगा उसमें शिफ्ट करवा के आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाया जाए, ये आपका मुख्यमंत्री का यहाँ पे कहना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला गया है कि मुख्य सचिव ने श्रम सचिव से ब्यौरा मांगा। तो यहाँ पे मुख्य सचिव जो डीके तिवारी है उनका यहाँ पर जो बोला गया है कि मुख्य तिवारी ने यहाँ पर श्रम विभाग के प्रावधान सचिव राजीव अरुण एक्का और उपायुक्तों से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में युवाओं के पंजीकरण के साथ ही शिक्षा और कौशल संबंधी जानकारी भी मांगी है। तो यहाँ पे शिक्षा और कौशल संबंधी जानकारी भी यहाँ पे डीके तिवारी ने यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे जो बोला गया कि इससे युवाओं के रोजगार और कौशल संबंधी ज़रूरतों के बारे में भी आसानी से पता चल सकेगा, ठीक है। तो उनका यहाँ पर ये कहना है, ओके। तो जो भी कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो मैं एक इसका वीडियो बना चुका हूँ कि आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं मेरे, ओके।